जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस लिए बुलाई है पहले बताइए। इसलिए गई कल हमारे कुछ लोग मुझे डरा धमका के पिस्टल लगा के वहाँ ले गए और ले जाकर मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई। मैं डर के वापस भाग के आया और आने के बाद मैं राष्ट्रीय लोकदल का था, राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का ही रहूंगा। कौन लोग लेकर के गए थे, कहाँ लेकर के गए तो ये मुझे जान रहे, लेकिन सतपाल जी यहाँ लेकर गए। अच्छा जी, अपने आप जी तो वहाँ जाके जो है क्या आपको जो है धमकी दी गई है क्या वो पूरा? नहीं, मुझे उसमें है ना बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए कहा गया, मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई जबरदस्ती में, इसलिए फिर मैं वहाँ से निकल के आया। मैंने कहा मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का ही रहूँगा। अच्छा, देखो लोग आए थे परिचित ना ना मेरे अभी कोई सांसद के खिलाफ या जो लोग लेके गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराओगे? हाँ, जो मुझे लेके गए थे उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। नहीं, मुझे नहीं ना ना मैडम, तो आगे की रणनीति रहेगी, राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, इसी से चुनाव लड़ूंगा, इसी से लड़ाऊ और इसी में रहूंगा। राष्ट्रीय लोकदल में जिंदा रहूं या मर के रहूं, हारूं या जीतूं। नॉमिनेशन करने जाओगे? हाँ, भी जाएंगे, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सबके सब। अगर आपको रेफरेंस देना चाहूंगा, राजेंद्र शर्मा, महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, किस लिए बुलाइए जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, किस लिए बुलाइए? इसलिए बुलाई है कि जो बागपत में जब से जिला पंचायत के चुनाव की चर्चा हुई, बराबर हमारे लोगों के खिलाफ कभी किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ रोज रपट करना, धमकाना, डांटना, और अंत में जब ये लगा हम हार रहे हैं बुरी तरह से, तो हमारे प्रत्याशी को किडनैप किया गया, डांटा गया, धमकाकर मुकदमों की थ्रेट दी गई और उनको दिल्ली ले गए एक सांसद के यहाँ, कहा कि आप जोन करिए नहीं तो आपके खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। वो जान बचा करके भागे, आज वो हमारे आपके बीच में है और इस समय वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। किसने किडनैप कराया? सांसद ने कराया तो क्या था? आरएलडी के सांसद के, सांसद ने कराया, इसीलिए तो सांसद के घर लेके गए। आरएलडी का स्टेप क्या होगा अगला? आरएलडी का अगला स्टेप क्या होगा? आरएलडी ऐसे लोगों के खिलाफ मांग करे कि शासन कार्रवाई करे, हालांकि शासन से कोई उम्मीद नहीं है निष्पक्षता की किसी की भी, फिर भी हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक कोई तहरीर वगैरह दी कोई? अभी देंगे तहरीर, तो पहले नॉमिनेशन तहरीर भी, पहले तो अपना काम तो करें। तो कुल मिला के इससे बड़ा लोकतंत्र में कलंक कुछ हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में यही काम कर रही है, लोगों को डराना, धमकाना, मुकदमों की थ्रेट करना, जेल भेजना, हम पूरे प्रदेश में इसकी निंदा करते हैं। तो क्या बागपत में अध्यक्ष रालोद का बनने जा रहा? वो तो बन ही गया, रालोद ही जीतेगा, इसलिए डर करके इसका किडनैपिंग कराया गया। थैंक यू। और इसे कहेगा हम अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे, आपको निरोध बना, निरोध बना देंगे। जनता इनको नकार चुकी है। नामांकन किया गया है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती ममता जी का, उनका नामांकन दाखिल कर दिया गया है। ममता जी तो आपके साथ है नहीं, कौन कहता है? फोटो वायरल हो रहा है। देखिए, अंत भला हो भला, अभी ममता जी ने अपने पति जयकिशोर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है करीब आधा घंटा पहले, आप सभी साथियों को शायद वो जानकारी भी होगी। ठीक है, दबाव बस उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। अब आप लोग मुझे यहाँ एक व्यक्ति को 10 लोग घेर लो, मुझसे किसी भी बात की हाँ भरा लो, मेरा फोटो खिंचा लो, मेरी वीडियो बना लो, तो अब वापसी होगी आरएनडी में? बिल्कुल, उन्हें तो वो लोकदल से चुनाव लड़े हैं, लोकदल से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी लोकदल रहेंगे। अभी उनका स्टेटमेंट आपके पास आया है थोड़ी देर पहले, यहाँ क्यों नहीं लेगा आप? यहाँ इसलिए नहीं आए कि गर्मी काफी पड़ रही है और विकल्प है, हमारे पास विकल्प है कि अनुमोदक प्रस्तावक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, इसलिए हमने कर दिया। कितने सदस्य हैं आरएलडी के पास? आरएलडी के पास मैं समझता हूँ कि 12 सदस्य जो हैं उन्होंने सबसे पहले इकट्ठा होकर के माननीय जयंत चौधरी जी को अपना समर्थन दिया और उसके बाद जो है अपना प्रत्याशी चुना, पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की और ये 12 की जो संख्या है हम ऐसा पूर्ण विश्वास रखते हैं कि ये 13, 14 और 15 तक भी जाएगी। अच्छा, किसका दबाव था जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन की थी, दबाव था, किसका दबाव था उनके? भैया मैं अभी आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सब मीडिया के साथ ही खड़े हो, आप मुझे डांटने लगो, मुझे धमकाने लगो और जब मेरे मन में भाव आएगा कि आप मुझे मार सकते हो, आप मुझे बैठा सकते हो, आप मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हो, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मेरे भाइयों आप सबकी बात मान लूंगा, आप जो चाहेंगे वो उसकी हाँ भर दूंगा। ऐसा ही कुछ हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है। कौन बड़ा नेता था? देखिए साहब, कौन बड़ा नेता था, जल्द ही
जो हमारी प्रत्याशी हैं उनका अधिकृत बयान हम जारी कराएंगे और आप सबको अवगत कराएंगे। कलेक्ट्रेट में नहीं लेकर क्या डर था किसी बात का भी? जो कलेक्ट्रेट में क्यों आएंगे, कलेक्ट्रेट सबका है, सब आ सकते हैं। आरएलडी सिंबल पर कितने जीतता है आपको, समाजवादी सिंबल पर कितने जीतता है? देखिए साहब, समाजवादी पार्टी के समर्थन से 4 लोग सदस्य बने हैं, राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन से 8 लोग सदस्य बने हैं और उसके बाद कुछ निर्दलीय सदस्यों ने हमें समर्थन दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।